नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेरेंट्स, सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में बच्चे जो होते हैं तो बहुत ही बीमार होते हैं। उनको सर्दी, खांसी, जुकाम और बहुत सी अनेक बीमारियां हो जाती हैं कि जिससे परेशान बच्चे हो जाते हैं और माता पिता भी उनके चिंतित हो जाते हैं बच्चे को। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि हमको ये घर में रखना चाहिए? तो पेरेंट्स, ये चीज़ें अगर घर में आप रखेंगे और समय समय अनुसार बच्चों को समय समय पर देते रहेंगे तो आपका बच्चा कभी भी बीमार सर्दियों में नहीं होगा। जो दवाएं हम बताने, ये जो चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बच्चों के लिए बहुत ही रामबाण दवा है और बच्चे इसको करने से खिलते विकास भी बच्चों का बहुत ही अच्छा होगा और बच्चे कमज़ोर भी नहीं पड़ेंगे और बच्चा स्वस्थ और अच्छा रहेगा। सबसे पहला नंबर आता है जायफल, जो कि बच्चों को ये सर्दियों में दिया जाता है। और ये कैसे दिया जाता है कि वो जायफल को एक पत्थर लें, पत्थर छोटा सा पत्थर लें और उस पत्थर में उसको घिसें। वो घिस करके उसका छूटेगा, जो रंगन छूटेगा निकलता है वो घिसने के बाद घिसते जाओ तो निकलता है। तो वो आपको दूध में या तो माँ का दूध बच्चा फीड कर रहा है उस दूध को दूध से करना है। अगर दूध नहीं है तो जो बच्चा ऊपर का ले रहा है दूध उससे करना है। तो उसमें उसके साथ आप उस दूध को डाल करके उसको 4-6 बार ऐसे करके घिस लीजिए। तो उसको थोड़ा सा देना, आपको बिल्कुल 2 बूंद है उसको घिस लीजिए और उसको मिला करके दूध में और बच्चे को पिला दीजिए। तो बच्चे की ये बहुत ही रामबाण दवा है, इससे सर्दी, खांसी, जुखाम और बच्चों का जो सर्दियों से बहुत ज़्यादा वो होता है तो वो बच्चों का सारा बच्चे के पास सर्दी नहीं आती है। दूसरे नंबर पर पेरेंट्स आता है छुहारा, जो कि वो बच्चों के पेट के डाइजेशन को सही करता है। और कि जैसे बच्चे बार बार लेटरिन जाते हैं, पतली लेटरिन जाते हैं तो वो लेटरिन को बांधता है और लेटरिन को बार बार नहीं आने देता। तो हम छुहारे को क्या करेंगे पेरेंट्स, हल्का सा भून लेंगे। ये तो आप तवा रखें, तवा को गर्म करें और तवा में उस छुहारे को डाल दें और ऐसे हल्के हल्के किसी उससे जो चिमटा होता है या कलछुली से आप ऐसे ऐसे उसको तवे में करते रहें तो वो हल्का हल्का सा भून जाएगा। जब वो छुहारा भून जाए तो उसको भूनने के बाद में उसको ऐसे करके दूध के साथ घिसना है और दूध के साथ घिस करके उसको बराबर करना और थोड़ा सा काला नमक, वो भी बच्चों के पेट के लिए डाइजेशन में बहुत ही अच्छा होता है और बड़ों के भी पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो थोड़ा सा उसको घिस लें। उसको घिसने के बाद दोनों को, छुहारे को जो घिसा हुआ है आपने और वो जो नमक को, काले नमक को घिसा हुआ है उसको वो करके घिस करके बच्चे को थोड़ा सा दूध में बराबर करके बच्चे को पिला दें। उससे बच्चे का कभी पेट का डाइजेशन जो है खराब नहीं होगा, उसको पतली लेटरिन नहीं आएंगी और उसको जो हरी हरी लेटरिन आती हैं सर्दियों की लेटरिन वो भी नहीं आएंगी। परंतु छुहारे से तो बच्चे की जो लेटरिन होती है, ये उस विषय में छुहारा है, उसको लेटरिन में दिया जाता है। अब हमारा तीसरे नंबर पर आता है कि जो बच्चों के पेट में मरोड़ होती है और रह रह करके बच्चे का जो पेट दर्द होता है तो उससे भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बच्चे को गैस की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि जो कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं, बच्चे का पेट फूल जाता है। बच्चे का हमारा जो पेट होता है तो जब गैस बच्चे के बनती है और मरोड़ वो उठने लगती है तो हम इस तरीके से बच्चे के पेट में हल्का हल्का सा दबाएंगे तो बच्चे का जो पेट है टाइट रहेगा, एकदम मुलायम नहीं रहता है, बच्चे का पेट टाइट रहता है और बच्चों का पेट जो है हल्का सा फूल जाता है कि जो ऐसे करते हैं तो दबता नहीं है पेट। तो अब हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। पेरेंट्स, आपने सुना होगा, आपकी रसोई में होगा, वो चीज़ें सब मिल जाती हैं। ये है हमारी जो बड़ी हर होती है, तो बड़ी हर को हमको क्या करना है, वो भी तवे में, जब तवा हमारा गर्म हो जाए तो उसको तवे में गर्म करके वो फूल जाती है, जो बड़ी हर होती है वो फूल जाती है। तो उसको भी फूल जाए, जब ठंडा हो जाए तो उसको भी उसी में रगड़, उसमें घिसना है और घिस करके थोड़ा सा 5-6-7 बार आपको घिसना है और घिस करके उसको ऐसे करके चम्मच में उठाना है और चम्मच में दूध से बराबर मिला करके और बच्चे को पिला देना है। तो इससे क्या होगा, आपके बच्चे में, बच्चे के जो पेट में ये मरोड़ उठती है और गैस होती है तो
तो ये जो प्रॉब्लम है, बच्चे के दर्द होता है, बच्चे का पेट फूलता है, तो ये उससे बहुत ही ज्यादा, ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है और बहुत ही ये उपाय अच्छा है कि बच्चे का पेट फूलना और गैस बनना, ये सारी जो शिकायतें हैं बच्चे का बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथे नंबर पर हमारा पेरेंट्स आता है कि जो बच्चों की पसलियां यहाँ पर चलने लगती हैं, उनको जुखाम वगैरह जैसे हो गया, अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चों की पसली चलने लगती हैं, तो उसको मतलब उसमें हमको क्या करना है, तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जब बच्चे की पसली चलने लगती है, जब बच्चा सोता है, खर खर की बच्चे की आवाज आती है, गले से खर खर की आवाज आती है और बच्चा सांस नहीं ले पाता है, बच्चे की नोज बंद हो जाती है और बच्चा बिल्कुल सुस्त पड़ जाता है, तो उसके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय है हमारा, क्या है कि सरसों का जो तेल है आता है, तो तेल लेना है, उसमें आपको थोड़ी सी अजवाइन डालना है और अजवाइन डाल करके उसमें 4-5 कलियां लहसुन की डालनी है, और अगर हो सके तो थोड़ी सी आप मेथी डाल लें। मेथी किस लिए डाल लें कि मेथी जो होती है तो वो बादी मारने का काम करती है। जैसे कभी कभी बच्चों के जो है सूजन वगैरह आ जाती है सर्दी से, तो बच्चों के वो सर्दी मारने का काम करती है, तो ये डाल करके और खूब अच्छे तरीके से उनको खौला लें, जब तक वो ब्राउन कलर का सारा जो जितना मैंने आपको बताया है जो जो डालने वाली चीजें, तो जो ब्राउन कलर की हो जाए तब आप उसको उतार लीजिए। तो वो क्या होता है कि अच्छे से पक गया तो उसको उतार लें और उसको ठंडा कर लें, और बच्चे को बिल्कुल ठंडा करके ना लगाएं, बच्चों को हल्का गुनगुना आप देख लें अपने हाथ से उंगली से कि बच्चा हमारा सहन कर पाएगा ये नहीं, तो आप उसको रात में सोते समय उसको आपको जरूर से जरूर सर्दियों में करना है कि बच्चा जब हमारा सो रहा है तो उसको हम यहाँ पसलियों में, यहाँ इसके चेस्ट में इस तरीके से ऐसे करके उसको लगाएंगे और बच्चे के हाथ के हथेली में लगाएंगे, नेल में लगाएंगे और बच्चे के पैर के पंजों में लगाएंगे, ताकि हमारे बच्चे की जो पसलियां चल रही हैं और नाक में भी एक एक बूंद, दो दो बूंद नाक में भी आप उस ऑयल को डाल दीजिए। बच्चों को बहुत ही ज्यादा ये मतलब चमत्कारी है और बहुत ही अच्छे से अच्छा इसको मतलब जो पसलियां वगैरह चलती हैं बहुत ही जल्दी सही हो जाएंगी। तो पेरेंट्स, हमारा यही आपसे कहना है कि बच्चे के बीमारी का इंतजार ना करें और बच्चे को हर दूसरे तीसरे दिन आप ये जो चीजें हमने बताई हैं तो आप देते रहिए, तो इन चीजों को देने से सर्दियों में आप हर दूसरे तीसरे दिन दें तो बच्चों का जो स्वास्थ्य है आपके, ये बच्चे कभी आपके सर्दियों में बीमार नहीं पड़ेंगे। तो पेरेंट्स, ऐसे ही हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से जुड़ी हुई अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर से जरूर कीजिए और दूसरों से शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।